बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, नौकरी भी नहीं और शादी भी नहीं हो रही थी। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मुझे थायराइड की गठान भी है। मेरा शरीर अचानक से चमड़ी सफेद होना प्रारंभ हो गई और बड़ी तकलीफ में आ गया। शरीर में तकलीफ रहती, गठान अलग हो गई और चमड़ी भी सफेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पर सुनी और उसमें सुना कि भगवान के मंदिर में सफाई करने से शरीर का रोग ठीक होता है। मेरे नजदीक में शिव जी का मंदिर है जहां हनुमान जी भी हैं। मैं मंदिर में जाती झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे शरीर का जो थायराइड की गठान थी वो भी गल गई और मेरा चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, पर वहां के किसी लोगों ने मंदिर के पंडित जी से कह दिया कि यहाँ पर एक महिला आती है और झाड़ू पोछा करती है, तो पंडित जी ने ताला लगा दिया और चाबी खुद रख ली। अब मुझे झाड़ू नहीं लगाने देते, पोछा नहीं लगाने देते। तब मैंने पंडित जी से निवेदन करा, पंडित जी मैंने सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू पोछा करने से, सफाई करने से शरीर का रोग समाप्त होता है। पंडित जी, मेरा थायराइड की गठान गल गई है और मेरे शरीर की जो सफ़ेद चमड़ी थी वो भी अपने असली रंग में आना चालू हो गई है, मुझे मंदिर में झाड़ू पोछा करने दो। तब पंडित जी नहीं माने। फिर मैंने निवेदन करा, बार बार विनती करी, तब गांव के लोगों ने भी उनसे निवेदन करा, तब पंडित जी ने चाबी देना प्रारंभ करी और मैंने झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि बाबा की कृपा से मेरी थायराइड की गठाने गल गई और मेरी जो चमड़ी सफ़ेद हो रही थी अब धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ।